यो गाइस, सो दोस्तों कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में कुछ स्कैरी सीड्स। तो आज के इस वाली वीडियो में तुम पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड इस वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड डर भी लगने वाला है। तो लेट्स बिगिन। तो इस कम्युनिटी पोस्ट में एक साल पहले इस बंदे ने बताया था कि हमारे को इस सीड में स्पोन होते ही ऐसा आइलैंड मिलेगा और इसके नीचे से स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है इस सीड में। सो गाइस, मैं अपने माइनक्राफ्ट पी ए में आ चुका हूँ। अब तुम कहोगे तुम पी ए में क्यों आए हो, ये मैं ही चलेगा गाइस, इसलिए मैं अपने पी वर्जन में ही आया हूँ। एंड अभी मैं आपको इसकी सीड देने वाला हूँ। तो लेट्स सी, प्ले पे क्लिक करते हैं अभी। तो चलो प्ले पे चलते हैं। एंड ये वाला वर्ल्ड मैंने पहले से बना रखा था तो इसलिए मैं आ चुका हूँ। एंड इसको मैंने पीसफुल कर रखा है, डर तो लगता ही है ना थोड़ा सा। तो चलो अभी सीधा इसकी सीड आर 846718, बहुत लंबी सीड है, तुम देख लेना गाइस। चलो प्ले पे क्लिक करते हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको गेम स्टार्ट होने के बाद। सो गाइस, चलो अपना गेम स्टार्ट हो गया और मैं भाई लेजेंड डेजर्ट में आया हूँ और बिल्कुल विलेज के पास। एंड अभी देखते हैं कि क्या भाई ये बिल्कुल सेम है उसके जैसा। बट यार मैं आया हूँ तो रात हो रखी है, ये मैंने पहली बार देखा है। एंड चलो अभी देखते हैं सेम है क्या। ब्रो व्हाट द हेक इज दिस गेम गाइस, ये पूरा सेम है। एंड अभी जैसा उस बंदे ने कहा था कि इस विलेज के नीचे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है गाइस। चलो अभी ट्राई करते हैं इसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर नहीं। अबे तू क्या कर रहा है, जाके सोना जाके चल। तो चलो अभी चलते हैं इसके नीचे एक बार, डिग डाउन करके देखते हैं क्या इसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर नहीं। सो लेट्स सी क्या मिलता है हमारे को। अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं पाया है। डीप स्लेट आ चुका है ब्रो, अभी तक मिल जाना चाहिए था। तो चलो यार, इसने तो हमारा फद्दू काट ही दिया है। थोड़ा आजू बाजू भी तोड़ के देख ही लेते हैं क्या हुआ यार। बट हाँ, ये विलेज का स्ट्रक्चर तो था, बट यहाँ पर केव है, क्या पता यहाँ मिल जाए। नहीं, यहाँ पर इतना अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीड की तरफ को। सो अगली सीड जो अपनी है वो भी पीई में ही वर्क करती है, ना कि जावा में। तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्लिक करते हैं एंड इसका नाम रखते हैं हम, क्या रखूँ, इसका नाम रखेंगे हम माय वर्ल्ड। मुझे पता है कुछ भी नहीं बना पर रखना है। इसको हम कर लेते हैं जल्दी से क्रिएटिव एंड कंटिन्यू। इसको डिफ़िकल्टी इजी कर देते हैं, कोई नहीं पीसफुल ही कर लेते हैं यार। तो चलो इसकी सीड जो है ना, इसकी सीड है हीरो ऑफ दी विलेज, यस इसकी यही सीड है। तो चलो इस वर्ल्ड में जा कर के देखते हैं। सो गाइस, चलो मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड वो द ब्रो, यहाँ से देखो आप, इसे स्माइल नहीं लग रही है पूरी। ब्रो इस वर्ल्ड में आते ही मेरे को भाई क्रीपी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो चुकी है। एंड चलो अभी और कुछ एक्सप्लोर करते हैं यार। व्हाट द हेक ब्रो, कैसी स्माइल थी वो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत एंड फिर मैं बताता हूँ आपको। बाय गाइस, मेरे को एक्सप्लोर करते करते आधा घंटा हो चुका है। व्हाट द हेक इज दिस, व्हाट द हेक ब्रो, इसको किसी ने यहाँ से लीड से बांध रखा है एंड बिचारी को अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे। ले मैं पुण्य कर रहा हूँ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, निकल यहाँ से। बट भाई यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ हो रही है, मैं इस वर्ल्ड में और नहीं रुकना चाहता हूँ। तो चलो अपनी नेक्स्ट। तो गाइस चलो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बता देना। जब तक है, बाय बाय।